हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी माहौल से। क्या कह रहे हैं चुनाव और किसकी बन रही है सरकार, 5 राज्यों में कौन मारेगा बाजी और किसके हाथ लगेगी सत्ता, ये तमाम जानकारी आज मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। मेरे पास रिपोर्ट है और रिपोर्ट के जरिए आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, और ये राजनीतिक समीकरण ही बताएंगे कि आखिरकार इन 5 जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले उनमें किसकी जीत हो रही है। समीकरण की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं कि जिस तरह से देखने को मिला, देखिए केरल की मैं बात कर लेता हूं तो केरल में देखिए, केरल में अगर देखने को मिलता है तो वहां पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। वैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, देखिए भारत में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल को वामपंथी दलों के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। आज पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल मुख्य मुकाबले से भी बाहर दिख रहे हैं। वहीं त्रिपुरा में BJP सरकार बना चुकी है। ऐसे में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट की सरकार है। पिनरई विजयन के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे वामपंथी दलों को यदि यहां शिकस्त झेलनी पड़ती है तो फिर वह किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं रह जाएंगे। केरल में वामपंथी पार्टी CPIM के लिए चुनाव करो या मरो की स्थिति बन चुकी है, और क्षेत्रीय दलों की ताकत जो है वो भी साबित करेगी। साल 2014 के बाद BJP के उभार जिस तरह से हुआ है उसमें देश के कुछ ही क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो बेहद मजबूत हुए। इन दलों में से एक TMC भी है। यदि पश्चिम बंगाल की सत्ता से TMC बेदखल होती है तो एक मजबूत क्षेत्रीय दल की हैसियत भी उसकी नहीं रहेगी। BSP और SP जैसे दल के कमजोर होने के बाद TMC का कमजोर होना राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण जो है उस पर असर डालेगा। और अगर मैं बात करूं जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, देखिए फिलहाल जो स्थिति है वो तो ये है कि एक राज्य जो है वहां पर तो BJP की स्थिति दिखाई दे रही है कि वहां चुनाव जीतेगी, लेकिन बाकी 4 राज्यों का क्या हाल है वो आप मेरे से समझिए। दरअसल 4 राज्यों में से पहले मैं बात कर लेता हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ इस कदर है कि वहाँ पर BJP की लहर अब नहीं नजर आ रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता को बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में भी BJP को वो फायदा अभी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। केरल की मैं बात कर रहा था, हालांकि मैं जानकारियां आपको दे चुका हूं कि किस तरह से कहां पर वामपंथी हैं और किस तरह से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले इनमें एकाध राज्यों में BJP की सरकार बन सकती है, और उसका मैंने यहाँ पे आपको आंकड़ा भी बताया, रिपोर्ट भी समझाई। पश्चिम बंगाल में तो ना की उम्मीद लग रही है, तमिलनाडु में भी ना की उम्मीद लग रही है, केरल वहाँ पर भी नहीं लग रहा है, और पुडुचेरी की मैं बात करूँ तो पुडुचेरी में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले ये समीकरण है जो बयां कर रहा था मैं, और समीकरण जो है वो ये बता रहे हैं कि अब की बार BJP के लिए मुश्किलें किस तरह से खड़ी होती हुई नजर आ रही है। देखिए लोकसभा की कुल 543 सीटों में केरल, तमिलनाडु और असम की हिस्सेदारी 13% है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को कुल 52 सीटें मिली थी, जिनमें से आधी सीटें उसने इन्हीं राज्यों से हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये जो तीनों राज्य हैं वो अहम है। तमिलनाडु में कांग्रेस DMK के साथ जूनियर पार्टनर के रोल में है, वहीं केरल में वह यूनाइटेड त्रिकोणीय मुकाबला होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं केरल में, यह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की मुखिया है। लेफ्ट कांग्रेस के अलावा BJP वहां बड़े प्लेयर बनने की कोशिश में है यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है और कांग्रेस के हाथ से बाजी निकलती है। कांग्रेस के हाथ से बाजी अगर निकलती है तो केरल जो ये है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की बात जो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि किस तरह से जो स्थिति है वो बनती बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इन 5 राज्यों में से जो सबसे बड़ा और अहम जो राज्य है वो है बंगाल। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी ये
तो आने वाले समय में पता चलेगा, इसका फैसला वोटर्स पर छोड़ देते हैं। लेकिन चुनाव से पहले जो स्थितियां बयां कर रही है वो ये है कि बंगाल में टीएमसी का पलड़ा फिलहाल तो भारी है, और अगर अन्य राज्यों की मैं चुनाव की जो बात कर लेता हूँ, वहां पर स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां वहां पर भी है, क्योंकि वहां पर पहले से कांग्रेस और जो लेफ्ट है इन सबका दबदबा बना हुआ है। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उससे पहले से ही चुनौतियां जो बीजेपी फेस कर रही है, ये चुनौतियां बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है इन चुनावों में। तो ये चुनावों से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पांच जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल है, केरल है, असम है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो बन रही हैं, ये चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से इन चुनाव में ये तय किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि किसकी कितनी पकड़ है, और इसका सीधा सीधा असर आप ये समझिए कि इसका लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल से हारेगी तो इसका मतलब आप ये समझिए कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा है, और अब की बार जनता बीजेपी के खिलाफ भी जा सकती है, यानी कि बीजेपी से अलग हट सकती है। और अगर हम बात करें जो चार राज्य, और वहाँ पर भी अगर उसमें से एक राज्य है त्रिपुरा, वहाँ पर फिलहाल बीजेपी की पकड़ बनी हुई है, लेकिन अन्य जो राज्य हैं जहाँ की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि अब बीजेपी धीरे धीरे सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत हो चुकी है। एक समय जो पहले था बीजेपी के लिए, कि वहाँ पर जो बीजेपी बीजेपी के जो नारे लगा करते थे, मोदी मोदी के नारे लगा करते थे, आज वो नारे नहीं लग रहे, आज वो बात नहीं हो रही है, आज केवल बात विकास की हो रही है, आज केवल बात हो रही है सरकार काम क्या कर रही है, आज केवल बात ये हो रही है नौजवानों को रोजगार कितना मिल रहा है, आज किसानों पर बात हो रही है, महिलाओं पर बात हो रही है, और जो निजी क्षेत्र हैं, निजी कंपनियाँ हैं, और जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, तमाम तरीके से जो इंडस्ट्रियल्स कंपनियां हैं, उन सब पर बात हो रही है, और जनता हर चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है। तो फिलहाल इन पांच राज्यों में चुनाव से पहले जो समीकरण बन रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि किस किस राजनीतिक पार्टी को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और किसके लिए मुश्किलें फिलहाल जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर पल की जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चुनाव हैं, ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इस बार अहमियत रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की लहर और जो ग्राफ है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके मायने आप ये निकालिए कि अब जनता बीजेपी से अलग हो रही है। इसका मायने आप ये भी समझिए कि जनता अब बीजेपी से दूरी बना रही है, क्योंकि अब जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि वो अब बीजेपी को जुमले वाली पार्टी समझ रही है। जिस तरह से देश में स्थितियां हैं, ये किसी से छुपी नहीं है, जनता है, सब जानती है, सब देख रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, किसानों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, जो और चीज़ें हैं, किस तरह से उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है, कुछ लोगों के हाथों में सौंप दिया जा रहा है, ये सारी जानकारियां लोगों को मिल रही हैं, लोगों के पास है, और ऐसे में इन सब बातों को ध्यान में रखकर जनता वोट कर रही है। तो आगे ये तय करना है जनता को किस किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, और किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना है। हम यहाँ आपको चुनाव से जुड़ी जानकारियाँ दे रहे हैं, चुनाव से जुड़ी जानकारियाँ आपको आगे भी देते रहेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको पांच राज्यों के जो चुनाव से पहले जो समीकरण बदल रहे हैं, इस पर बताया, और किस तरह की स्थितियां फिलहाल बन रही हैं राजनीतिक पार्टी के लिए, वो जानकारी मैंने आपको दी। इजाजत दीजिए आज मुझे, नमस्कार।